जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबको कैसे हैं? आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, गुड होंगे, वेल होंगे, है ना। तो आप सबको पता है कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट कृष्ण जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए। कान्हा जी के देखते हैं क्या क्या लेते हैं। कान्हा जी का दूसरा बर्थडे, मैं जन्माष्टमी पे ही कान्हा जी का बर्थडे मनाती हूँ। पहला बर्थडे हमने पिछली बार मनाया था, तब हम गाँव में थे, और इस बार हमें यहाँ पे देहरादून में। तो देखते हैं कैसा रहता है कान्हा जी का बर्थडे। सब कान्हा जी के ऊपर है, कैसा मनाते हैं क्या मनाते हैं। अभी आज तो मैं सिर्फ कान्हा जी के लिए सामान लेने जा रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेते हैं मार्केट में। जय बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं हनुमान चौक में, और अभी हम लोग जा रहे हैं बैंड बाजार, क्योंकि हमें वहीं से कान्हा के लिए सामान लेना है। मैं आई हूँ अभी इस शॉप में। यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी है। कितने सारे कान्हा है यहाँ पे, देखो नंगू मंगू कान्हा भी है यहाँ पे बैठे हुए, और कान्हा जी के झूले देखिए। और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे कान्हा जी का झूला देखने के लिए, और ये वाला झूला देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो शॉप है, ये है बैंड बाजार में, शॉप का नाम ही कृष्णा है। और बताओ कितने प्यारे प्यारे लड्डू है यहाँ पे, देखो कान्हा कैसे देख रहा है, राजे राजे। और यहाँ पे देखिए, ओ ये तो और भी प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या देना है, खा देंगे हम अपने कान्हा को। तो यहाँ है कान्हा जी के बहुत सारे कपड़े भी हैं, ये देखिए। और ये देखिए कितने सारे लड्डू गोपाल हैं यहाँ पे, और इधर भी माता रानी की भी हैं बहुत सारी, और ये देखिए मालाएं भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे ओ ये वाले कान्हा जी को देखो कितने प्यारे है। हाँ कान्हा, ये मेरे लड्डू, कितना सुंदर लड्डू गोपाल है, पूरे मोर पंख से सजा रखा है। कितनी प्यारी ड्रेस है, मोरी मोर वाली ड्रेस है कान्हा की। और पीछे हैं खाटू श्याम जी हैं, ये देखिए यहाँ पे ये खाटू श्याम जी हैं। और पीछे एक और लल्ला जी हमारे, कितने सारे लल्ला जी हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे झूले हैं यहाँ पे। ओह कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। तो लड्डू गोपाल देखिए, मैं मन ऐसा हो गया, प्यारे प्यारे लड्डू, हाँ मेरा लड्डू, कितने सारे लड्डू गोपाल के आज दर्शन हो गया हमें भाई। ओ यहाँ भी देखो कितने सारे, कितने प्यारे प्यारे है ना। कान्हा जी बहुत सुंदर सजा रखे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारी अपने आप दिखती है। प्यारे प्यारे कान्हा जी हैं यहाँ पे, और सब सजे हुए हैं। और ये देखिए ये उनका आसन है, कितने सारे आसन है यहाँ पे। और ये झूला देखो कितना प्यारा है, इतना ही होगा हमारा लड्डू गोपाल, है ना, लाइट वाले। हाँ तो फ्रेंड्स ये वाले लाइट वाले झूले हैं, ये पूरा एक ही अंकल, अच्छा ये नीचे का पूरा। हाँ ये वाला तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला छोटा, ये पीछे वाले हैं, और इसे भी छोटा बाहर लगा हुआ है। माला ही देखिए कितने सारे यहाँ पे, फिर से मैं एक बार बहुत सारे लड्डू गोपाल के आपको दर्शन करा रही हूँ। कितने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल बैठे हैं यहाँ देखो जरा, और ये तो आसन है, ये झूला थोड़ा ना। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कान्हा जी का आपको जिस तरह के कपड़े लेने, हर तरह के कपड़े, छोटे बड़े मीडियम साइज, सब तरह के कान्हा के यहाँ पे कपड़े भी हैं, झूले भी हैं, और श्रृंगार भी होगा, है ना अंकल। उधर देखिए उधर पूरे झूले, ये टोकरी, ये टोकरियाँ, हाँ कितनी प्यारी प्यारी टोकरियाँ, देखो एक निकाल के बताना अंकल। तो ये ओनर है शॉप के अंकल जी, अभी अभी हम यहाँ पे आए हैं, हम भी देखने आए हैं यहाँ पे। और ये कान्हा की कितनी प्यारी टोकरी है, वाह अच्छी लग रही है, देखो कान्हा जी की टोकरी है ना, इधर उधर ले जाने में दिक्कत नहीं, जैसे कानों के इसमें ले आ लो। लोहे का है, हाँ वो वाले लकड़ी के हैं, और ये लोहे का है, अच्छा है ना, मतलब जैसे कान्हा जी गिर से जाते हैं ना, लटक से जाते हैं, मतलब इनमें नहीं है ऐसे दिक्कत। और ये देखिए ये है लकड़ी की टोकरी, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, और ये भी बहुत सुंदर लग रही है। ये वाले लोहे की है, और ये वाली लकड़ी की है, बहुत अच्छी टोकरी है, इनमें हम कान्हा जी को लेके जा सकते हैं कहीं भी इधर उधर। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे कान्हा जी के श्रृंगार, ये देखिए यहाँ पे है कान्हा जी के श्रृंगार, ये हाथों के हैं। और ये वाले ये बांसुरी है कान्हा की, देखिए कितने सारे बांसुरी, अलग अलग तरह की बांसुरी है कान्हा की। कपड़े देखो कितने सारे कपड़े हैं कान्हा जी के, पहली बार फर्स्ट टाइम मैं दुकान में आई हूँ जहाँ मुझे मतलब मजा आ रहा है देखने में पूजा का सामान, वरना मुझे ऋषिकेश के अलावा मुझे कहीं पसंद ही नहीं आता पूजा का सामान ऐसे। हाँ कोई नहीं, तो बड़ा ही देखना है ना, मैं छोटा नहीं। हाँ ये ठीक है, हमारे लड्डू गोपाल भी इतने ही है, दो है ना, ठीक है। ओ और भारी हो गए बाप रे, ये पादुकाएं हैं, ये अलग अलग तरह के, सीसा है, अच्छा ये डाइनिंग टेबल है, लैपटॉप है, ये शालिग्राम जी है ना, ये फोन में रखा हुआ खाने के लिए, लैपटॉप भी है, अरे वाह। राधे राधे कितने लग का है, इस पे लिखा है राधे राधे
ये है राधे जी के तिलक और ये कान्हा जी के हैं। सब ये लगाने के, अपने लगाने के। तो ये है राधे जी का तिलक और ये है कान्हा जी का तिलक। बोतल कान्हा जी का डाइनिंग बोतल लैपटॉप हर चीज यहाँ पे देखो ना, कितने प्यारे प्यारे देखो कान्हा की, कान्हा जी के लैपटॉप चीज जो इंसान यूज करता वही कान्हा जी के लिए भी है। ये वाला लैपटॉप देखिए अंकल इसे खोल रहे हैं, ये खुलता भी है। अरे वाह वाह, इसमें देखो राधे बने हैं इसमें, राधा कृष्ण। ओ ये देखिए कान्हा जी का छाता, चंवर डुलाइए देखिए, इससे हम हवा करते हैं ना कान्हा जी को। ओ ये देखिए कान्हा जी का छाता, कितना सुंदर छाता है कान्हा का ना। इसमें मेरा लड्डू आराम से आ जाएगा। तो ये देखिए अंकल जी खोल रहे हैं, ये लकड़ी वाली टोकरी है कान्हा जी की। अब मैं अपने कान्हा को अपने साथ तो ले जाती हूँ मंदिर वगैरह, तो कान्हा के लिए मैं ले रही हूँ वाली टोकरी। देखिए कितनी सुंदर टोकरी है वो, इसमें यही है दिक्कत, झुलाते समय तो आगे को हो जाते हैं कान्हा जी, है ना। तो यह है हमारे कान्हा जी का बहुत खूबसूरत सा झूला जो मुझे अच्छा लगा है, देखते हैं भी लेती हूँ या नहीं। यही वाला बस एक ये है, ये भी बहुत सुंदर है। अब देखते हैं कौन सा लेते हैं हम अपने कान्हा के लिए। कान्हा जी को बिठा के देखना पड़ेगा ना, वो झूला बहुत सुंदर लग रहा है जो अंकल जी खोल रहे हैं ना, ये भी बड़ा। तो ये देखिए ये खुल रहा है हमारे कान्हा जी का झूला, इधर से करना कान्हा, ये झूले का मुँह इधर को करो थोड़ा। वाह ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर झूला है, सबसे ढूंढ रही थी मैं अपने कान्हा के लिए झूला। और ये लाइट वाला झूला, ये देखिए अंकल ने इस पर लाइट भी जला दी है। ये है इसमें ये पट्टा लगा हुआ है, इस तरह से हम कान्हा जी को झुलाएंगे इसमें, इससे हम बड़ा भी कर सकते हैं। कान्हा जी को रखो तो फिर, कान्हा जी को रख के देखते हैं ना पहले, इसमें हम पहले कान्हा जी को रख के देखते हैं, कान्हा जी के गिरने का डर तो नहीं है इसमें। पिछले बार जो झूला में ले गई थी उसमें कान्हा जी के गिरने का डर था, और अब झूला हाँ और ड्रेस के साथ होती है दिक्कत। तो अभी तो चलो कान्हा ने ड्रेस नहीं पहनी है, ठीक है अच्छे हैं अभी तो। ड्रेस वाला कान्हा रखो भैया, देखते हैं ना। हाँ तो ये हमारे कान्हा जी बैठ गए इसमें, और ये देखिए हम कान्हा जी को झूला झुलाएं तो कान्हा जी कहीं आगे को ना ढल जाएं, वैसे तो नहीं ढल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आराम से झूल रहे हैं कान्हा देखो। तो अभी मैं दूसरा वाला झूला भी देख रही हूँ, एक झूला ये है एक झूला ये है, तीन झूले हैं यहाँ पे। अब देखती हूँ कौन सा वाला लेती हूँ, इसमें रखो जरा कान्हा जी को। हे भगवान कान्हा जी जो कान्हा चाहेंगे मैं वही लूँगी। हाँ इसमें भी अच्छे लग रहे हैं भाई, इससे मतलब डर नहीं है इसमें, कान्हा जी आराम से झूल रहे हैं, इसमें गंदे होने की दिक्कत भी नहीं है, वो गंदा हो जाएगा ना फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम देख रहे हैं इस वाले झूले को, तीन झूले हमने देख लिए हैं, तो यह है तीसरा झूला, और इस पर भी हम अभी कान्हा जी को बिठा के देखते हैं। तो मैंने ली है राधा रानी भी, हाँ इनके ठीक है ये अच्छा है, इसमें दोनों आ गए। तो ये है हमारी राधा रानी और कान्हा जी, हाँ दोनों बैठ जाएंगे ठीक है ये वाला। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है ये वाला झूला, इसमें दोनों ही आ रहे हैं, अभी मेरे तीन कान्हा है बल्कि तीनों ही कान्हा आ जाएंगे इसमें। और कान्हा जी ने ये पसंद किया देखो ना राधा रानी के साथ, अकेले भी नहीं, जब उन्हें कान्हा को बिठाया कान्हा जी ने ये वाला झूला पसंद किया है अपनी राधा रानी के साथ। तो अंकल आप मुझे ड्रेस दिखाइए राधा रानी का भी और कान्हा जी का भी। तो ये देखिए कान्हा के कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पे, ये कान्हा जी की पगड़ी है, और ये देखिए साथ में ये पट्टा है, और ये वाली ड्रेस देखो कितनी खूबसूरत ड्रेस है कान्हा की, और साथ में ये पटका है, कितनी सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं कान्हा की। तो ये राधा रानी की ड्रेसेस हैं, ये बांसुरी देखिए कितनी खूबसूरत सी बांसुरी है। हाँ ये वाली देखो, ये मोर वाली है ना, अच्छा ये बड़ा साइज है, वाह कान्हा के कितने सुंदर सुंदर है। जब हम पहना के देख रहे हैं कान्हा जी को, ये वाली पगड़ी फिट आती है नहीं, हाँ ऐसे तो आ गई है ना। ये है छोटे कान्हा के कपड़े, अब मैं देख रही हूँ छोटे कान्हा जी के लिए। तो ये है कान्हा जी के सिंगर, और ये है मालाएं, और यहाँ पे हम रख रहे हैं राधा रानी के लिए। तो ये देखिए ये है राणा रानी की नथ, ये टीका, और ये पायल, ये पायल है, ये कड़े। तो अभी देखते हैं और क्या क्या रखते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं हूँ यहाँ पे जहाँ पे कान्हा जी की, कान्हा जी के सारे कपड़े मिलते हैं आपको यहाँ पे सस्ते भी और अच्छे भी, रीजनेबल रेट पे आपको यहाँ पे कान्हा जी के सिर्फ कपड़े ही नहीं, ये देखिए कान्हा जी का झूला, ये टोकरी, और यहाँ पे ये है आसन, कान्हा जी की मूर्तियाँ, राधा जी की मूर्तियाँ, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और बताओ भैया कुछ 20% लेस मतलब हमेशा या सिर्फ जन्माष्टमी? हमेशा। अच्छा तो ये जो शॉप है ये कौन से मार्केट में है? लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने है, बैंड बाजार है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बैंड बाजार के सामने आपको ये शॉप मिलेगी, आपको कभी भी कान्हा जी से संबंधित कुछ भी सामान लेना हो पूजा का तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। शॉप का नाम क्या था? श्री कृष्णा। वाह और ये देखिए कान्हा जी के नाम से ही ये शॉप के भी नाम है,
और यहाँ पे आपको काना ही काना देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे पहले आई थी इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा आई हूँ। मैं ऋषिकेश भी नहीं लिया, मैंने इस शॉप के चक्कर से मैंने ऋषिकेश में भी शॉपिंग नहीं करी काना जी की, जबकि मैं गई थी ऋषिकेश में भी। दिवाली पे डेकोरेशन मिलती है। हाँ वही देख रही थी ऊपर क्या रखे आपने, मैं वही देख रही थी अभी वो। हाँ अब आएंगे नेक्स्ट दिवाली के टाइम पे। दिवाली पे डेकोरेशन, अच्छा पिचकारी भी मिलती है। हाँ होली पे पिचकारी और दिवाली पे हमें डेकोरेशन मिलेगी। अच्छा सब मिलता है, चलो नेक्स्ट मुलाकात दिवाली पे। नहीं उससे पहले नवरात्रि पे भी तो मिलते होगा, तो माता का मिलता है ना। हाँ आपको जो भी लेना हो यहाँ पे आए, आपको बिल्कुल रीजनेबल रेट पे यहाँ पे पूरा सामान मिलेगा। और एक बार मैं आपको बाहर का दिखा दूँ मार्केट का, बैंड बाजार का। तो ये देखिए ये है बैंड बाजार और आगे है मेन रोड, वहाँ से हमें ऑटो मिलेगा तो हम लोग जाएंगे ऑटो करके, इतना सारा सामान ऑटो में ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मंडी भी है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए वहाँ पे है सामने हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, आपको जूम करके बताऊँ तो ये है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और अभी अभी यहाँ पे श्री खाटू श्याम जी भी यहाँ पर आए हैं, तो आऊँगी कभी बच्चों को लेके आऊँगी अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने। तो इस शॉप का नाम जो है कृष्ण भगवान के नाम से ही, कृष्णा श्रृंगार पूजा स्टोर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मेरा सामान बिल्कुल पैक कर दिया अंकल जी ने, यहाँ पे ये टोकरी और अब ये झूला पैक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं कान्हा जी का सामान लेके। हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ कान्हा जी बुलाते हैं, हमारे बांके बिहारी जी कान्हा जी। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतना सारा सामान लूँगी, सिर्फ झूला लेने आई थी, कान्हा ने इतना सारा सामान लिवा लिया अपने लिए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या है। कान्हा जो कान्हा को पसंद होता है हम वही लेते हैं, और मैं कभी भी कान्हा जी का सामान लेने आती हूँ ना तो अचानक ही लेती हूँ, जो कान्हा को पसंद होता है कान्हा वही ले लेते हैं, ये सब कान्हा की ही कृपा है। वरना हम सची हों तो ना सोच के आए थे घर से और ना सिर्फ झूले के लिए आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कान्हा जी ने कितना सारा सामान लिवाया अपने लिए, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना मैं बता नहीं सकती कि हम तो खैर क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, ये सब कुछ तो भगवान का दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये देखिए प्रभु ने अपने लिए इतनी सारी चीज़ें लिवा ली, तो आज मन इतना आनंदित हो गया ना, भगवान को पाके सब कुछ पा लिया। तो जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज हमारे यहाँ पे राधा रानी भी आई हैं, तो सबको राधे राधे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे लड्डू, ये नंगू पंगू लड्डू, देखो कितना क्यूट लड्डू हमारा। और ये मैंने आपको शुरू में कान्हा जी बोला था इनको, लेकिन ये भैया ने अभी बताया ये राधा रानी है हमारी, देखो कितनी क्यूट राधा रानी है। मैंने लड्डू गोपाल बोला, उन्हें मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए भैया धन्यवाद आपका। तो ये है भैया शॉप के ओनर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है भैया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट माता रानी के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और सामान रखने के लिए मैंने किया है ऑटो,